ओलंपिक में बुधवार का दिन भारतीय प्लेयर्स के लिए मिलाजुला रहा। कुछ ने मेडल की उम्मीद बरकरार रखी तो कुछ ने निराश किया। पेरिस में चल रहे गेम्स के पांचवें दिन भारतीयों ने 6 खेलों में चुनौती पेश की। आइए विस्तार से जानते हैं किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया। भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। प्रीति ने वीमेंस की 54 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया की येनी मार्सेला एरियास को चुनौती दी, लेकिन उन्हें 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन वीमेन सिंगल में पीवी संधू ग्रुप स्टेज का अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीतकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। उन्होंने एस्टोनिया की क्रिस्टन क्यूबा को 21-5, 21-10 से हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई। यह मुकाबला 34 मिनट तक चला। भारत के सर्वप्रिय कुशाले 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन मेंस के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 590 का स्कोर किया और सातवें स्थान पर रहे। क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप 8 शूटर फाइनल में पहुंचे। इसी इवेंट में भारत के एक और शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह 11वें नंबर पर रहे। उनका स्कोर 599 का रहा और वे फाइनल में जगह नहीं बना सके। भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन ने ग्रुप स्टेज के अपने तीसरे मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 3 इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हरा दिया। इसी के साथ लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 क्रिस्टी को 21-18 और 21-12 से हराया। अनुभवी तीरंदाज दीपिका वीमेंस आर्चरी की इंडिविजुअल कैटेगरी में आज पहले राउंड ऑफ 64 में मैच जीती। इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स की रोयफन को 6-2 से हराया। उन्होंने पहला सेट 29-28 से जीता, फिर दूसरा सेट 27-29 से गवा बैठी। इसके बाद दीपिका ने जबरदस्त वापसी की और 25-17 और 28-23 से लगातार दो सेट जीतते हुए जीत हासिल की। दीपिका कुमारी ने इसी के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना ने वीमेंस 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने राउंड ऑफ 16 मैच में नॉर्वे जीने की मुक्केबाज सुनीवा हाफटॉट को 5-0 से एक तरफा अंतर से हराया। टॉप 8 राउंड में लवलीना का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 चीन की ली कीन से होगा। भारतीय निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी और श्रेयसी सिंह पेरिस 2024 ओलंपिक में शॉटगन शूटिंग के वीमेन्स ट्रैप इवेंट में फाइनल के लिए कट ऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही हैं। राजेश्वरी और श्रेयसी दोनों 5 राउंड के बाद कुल 113, 125 के स्कोर के साथ 22वें और 23वें स्थान पर रही। शीर्ष 6 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सकते थे। अनश अग्रवाल पेरिस 2024 में ड्रेसेस व्यक्तिगत ग्रां प्री क्वालिफायर के ग्रुप ई में 9वें स्थान पर रहे। पेरिस में भारत के एकमात्र घुड़सवार अग्रवाल ने बुधवार को चेटेउ डी वर्सल्स में केवल 66.44% स्कोर किया। उनका कुल स्कोर अन्य शीर्ष 6 एथलीटों से कम रहा, जिसके चलते उनका पहला ओलंपिक अभियान समाप्त हो गया। 24 वर्षीय घुड़सवार ओलंपिक खेलों में ड्रेसेस में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय थे। भारत की मनिका बत्रा टेबल टेनिस की वीमेंस कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 का मैच हार गई। उन्हें 8वीं सीड जापान की मियो हिराने ने 4-1 से हराया। मनिका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वो पहला गेम 11-6 से हार गई। भारतीय स्टार ने दूसरे गेम में फाइट की, लेकिन उन्हें 11-9 से हार झेलनी पड़ी। तीसरी गेम को मनिका ने 14-12 से जीतते हुए वापसी के संकेत दिए, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने अगले दो गेम 11-8, 11-6 से जीतते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। चौथा ओलंपिक खेल रहे अनुभवी भारतीय तीरंदाज तरुणदीप राय आर्चरी की मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी के राउंड ऑफ 16-4 का मैच हार गए। उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के टॉम होल ने 6-4 के अंतर से हराया। मुकाबले का पहला सेट 27-27 से बराबर रहा, फिर टॉम हॉल ने दूसरा सेट 28-27 के अंतर से जीतकर बढ़त बनाई। यहां भारत के अनुभवी तीरंदाज ने तीसरे सेट को 28-25 से जीतते हुए वापसी की। ऐसे में टॉम हॉल ने चौथा सेट 29-28 से जीता, वहीं पांचवा सेट 29-29 की बराबरी पर रहा। बैडमिंटन के मेंस सिंगल इवेंट में एचएस प्रणय ग्रुप के में दूसरा मैच जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
उन्होंने वियात नाम के डुक फाटले को 16-21, 21-11 और 21-12 से हराया। यह मैच 62 मिनट तक चला। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने मेंस 71 केजी वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में इक्वाडोर के मुक्केबाज जोस ग्रेबियाल रोड्रिग्स टेनेरियो को 3-2 से हराया। महिला एकल राउंड ऑफ 16 में श्रीजा अकुल अपना मैच हार गई हैं। उनका मुकाबला सुनयांस के साथ था। इस मुकाबले में श्रीजा अकुला 0-4 से हारी। इस हार के साथ वह इस इवेंट में मेडल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं।